नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रूबी बंसल। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया तो प्लीज़ करिए। आज इस पर मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट लेकर आई हूँ। आजकल जैसा कि आपको मालूम है कि जुलाई महीने में हर साल इंटरनेशनल एड्स सोसाइटी की कॉन्फ्रेंस होती है दुनिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में। तो इस बार ये मॉन्ट्रियल कनाडा में है और अनफॉर्चुनेटली इस बार मैं वहाँ पर जा नहीं पाई हूँ, परंतु अपडेट्स फिर भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्रैप के तौर पर एक जो इंजेक्टेबल ड्रग की बहुत दिनों से मेरे पेशेंट्स भी बार बार बात पूछ रहे थे कि इंजेक्टेबल कब आ रहा है, इंजेक्टेबल कब आ रहा है, तो इस कॉन्फ्रेंस में अब इंजेक्टेबल ड्रग को मान्यता मिल गई है। तो जो लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्टेबल जिसका नाम है कि कोबाटेग्रावीर कैब एल ए, ये प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस के तरीके से यूज़ हो सकता है फॉर HIV, जिसकी एफिकेसी काफ़ी अच्छी पाई हुई है, परंतु अभी तक ये मार्केट में नहीं आया है। पर अगर जैसे कि इस कॉन्फ्रेंस में इसका लॉन्च हो गया है, सारी स्टडीज़ इसमें प्रेजेंट हो गई हैं, तो आने वाले समय में ये इसका मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगा और ये पब्लिक के इस्तेमाल के लिए आने की संभावना इसकी बढ़ जाएगी। कॉस्ट क्या होगी, कैसे आएगा, किन लोगों को लगेगा, ये सब जो हैं चीज़ें आने वाला समय हमें बताएगा। और परंतु अभी इसकी काफ़ी सक्सेसफुल रिज़ल्ट, जो स्टडी के रिज़ल्ट्स आए हैं वो अच्छे आए हैं और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कुछ ही समय में इसकी नई गाइडलाइंस जारी करेगा। इंडिया में कब तक आएगा, बाहर कब तक मिलेगा, तो ये सब बातें मैं जैसे ही अपडेट्स आती रहेंगी आपके साथ शेयर करूंगी। और ये जो है, ऑल्दो हम सभी जानते हैं कि ओरल प्रेप प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस जो ओरल ड्रग है वो अवेलेबल है, और ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि हाँ, जो 2021 में करीब 1.5 मिलियन न्यू HIV इन्फेक्शन आए, 4000 न्यू इन्फेक्शन एवरी डे दुनिया भर में। 2020 में भी ऐसा ही करीब करीब हुआ था, और तो कहा जाता था कि कोविड का ईयर है तो शायद एक्सपोजर लोगों को कम हो, इन्फेक्शन कम आए, परंतु ये नहीं, ऐसा नहीं हुआ और काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शंस बढ़े हैं। और इसलिए जो है ये जो इंजेक्शन है बहुत अच्छा रहेगा की पॉपुलेशन के लिए। जैसे कि की पॉपुलेशन कौन सी होती है, जो कि सेक्स वर्कर्स हैं, मैन जो मैन के साथ सेक्स करते हैं, जो इंजेक्टेड ड्रग यूज़र्स हैं, जो इंजेक्शंस के थ्रू ड्रग्स लेते हैं, जेलों में जो लोग हैं जहाँ पर इनको एक्सपोजर नहीं होता, ट्रांसजेंडर पीपल हैं तो वो जो है सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, और जो उनके भी जो सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, तो उन सब के लिए जो है ये एक अच्छी न्यूज़ है। ये एक सेफ लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है। इसकी रेजिमेन जो है, जिससे पहले दो इंजेक्शन जो है 4 हफ्ते के अंतराल में दिए जाएंगे। जैसे कि पहला इंजेक्शन अगर आज लगा तो 4 हफ्ते के बाद दूसरा इंजेक्शन लगेगा, उसके बाद हर 8 हफ्ते में इस इंजेक्शन को लगाया जाएगा उन लोगों को जो की पॉपुलेशन है, जिनका सेक्सुअल एक्सपोजर ज़्यादा होता है और जो इन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, तो उनकी सेफ्टी के लिए ये इंजेक्शन्स अवेलेबल हो गया है, और आने वाले समय में ये मार्केट में और जो है पब्लिक के यूज़ के लिए भी अवेलेबल होगा। जिसका कि करीब जो है कल ही, जो मतलब हमारे समय के अनुसार जैसे आज ही और वो कल कॉन्फ्रेंस में इसका लॉन्च हुआ है, और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स के साथ इसकी एफिकेसी मानी जा रही है, और HIV पर बहुत सारा काम हो रहा है। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में कुछ और अच्छी चीज़ें आएंगी, और कैब एल ए जो कैबोटेग्रावीर इंजेक्शन है ये भी बहुत जल्दी पब्लिक के लिए इस्तेमाल के लिए यूज़ होगा। परंतु तब तक आपने कॉन्डम को रिप्लेस नहीं करना है। कॉन्डम बहुत अच्छी प्रिकॉशन है, प्रेप प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस की मेडिसिंस जो हैं वो बहुत अच्छी प्रिकॉशन है। आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, किसी भी HIV फिजिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं इन सब चीज़ों के लिए। और इसके साथ ही इम्पॉर्टेंट है सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, तो कॉन्डम इसलिए कोई भी चीज़ कॉन्डम का रिप्लेसमेंट नहीं है। कॉन्डम सिर्फ HIV से ही नहीं बचाता है, और भी बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। सो इसी के साथ बने रहिए मेरे चैनल पर, कुछ अपडेट्स के लिए मैं आती रहूँगी। और धन्यवाद, मुझे लिखिए अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पर अपडेट्स चाहिए तो आप मुझे लिखिए। धन्यवाद।